आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स किए थे, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का फ्रैक्शन और डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व करना। इसके अंदर टोटल 7 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट इस वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन 2 - 3/5। इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो क्या लगाएंगे हम, 5, 1 लगा देंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आएगा, 5। अब चेक करना है कि 1 की टेबल में 5 है वो कितने पे आता है, तो 5 पे। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जस्ट इसके ऊपर जो है कितने से करोगे, 2 से। माइनस 5 की टेबल में 5 कितने पे आया, 1 पे। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, जो इसके ऊपर है, कितने से, 3 से। साइन वही लगेगा जो यहाँ पे दिया हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, माइनस 3 की 1 से करोगे 3, अपॉन में कितना आएगा, 5। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 5। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। पहले इसको चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला वो क्या रहेगा, पहले 3 की 2 से क्या होती है, मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर प्लस कितना हो जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है। तो 3 × 2 = 6, 6 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। 8 अपॉन न्यूमरेटर के अंदर कितना है हमारे पास, 3, तो नीचे कितना लगेगा, 3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 2 + 1 = 3 अपॉन में कितना लगेगा, 2। इन दोनों का एलसीएम चेक करेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम है, अगर दोनों प्राइम नंबर है तो हम दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 = 6। अब चेक करना है कि 3 की टेबल में 6 है वो कितने पे आता है, 6 कितने पे आएगा, 2 पे। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, जो इसके जस्ट ऊपर है, कितने से हो जाएगी, 8 से। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। 2 की टेबल में 6 कितने पे आया, 3 पे। 3 की मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 3 से। तो क्या हुआ, 8 की 2 से मल्टीप्लाई की, 16 प्लस 3 × 3 = 9 अकाउंट में कितना लगेगा, 6। दोनों को प्लस करोगे, 16 + 9 = 25 अकाउंट में कितना आएगा, 6। अगर ये कट होता है तो कट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है 3, 1/5, 3/7 और 7/10। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है। डिसेंडिंग का मीनिंग क्या हुआ, बिग टू स्मॉल, कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो पहले इन तीनों का क्या करोगे, एलसीएम लेके चलना है। पहले एलसीएम लेंगे और इसको चेंज करेंगे किस फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका डिनोमिनेटर तीनों का क्या हो, सेम हो जाए। तो पहले कितना दे रखा है, डिनोमिनेटर 5, 7 और 10। पहले हमारी कौन सी टेबल पे जा रहा है, 2 पे, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है, 5 नहीं आता। 7 × 7 रखोगे, 7 को 7 × 7 रखोगे, 2 की टेबल में 10 आया वो कितने पे है हमारे पास, 5 पे। अब नेक्स्ट कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, तो 5 की टेबल में 5 1 पे आया, 7 आता नहीं तो 7 का 7 रखना है। 5 की टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे। नेक्स्ट हमारे पास 7, जब 1 आ जाए तो उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इन तीनों की क्या करनी है हमारे पास, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 × 7, आंसर कितना आया हमारे पास, 70। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 70। अब चेंज करना है इसके डिनोमिनेटर को, तो 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है, नीचे का डिनोमिनेटर अगर 5 की जगह 70 लेके आना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 70 आ जाए, तो कितने से करेंगे हमें, 14 से। इसको भी कितने से, 14 से ही करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर 14 से किया तो न्यूमरेटर को ऑफकोर्स कितने से करनी पड़ेगी, 14 से। तो कितना आंसर आया, 14/70। दूसरा है 3/7। अब इसकी भी मल्टीप्लाई 7 की टेबल में 70 आता है वो कितने पे आता है, 10 पे। ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। आंसर कितना होगा, 30/70। नेक्स्ट हमारे पास है 7/10। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 10 की जगह 70 हो जाए तो कितने से करेंगे हम, 7 से। और ऊपर से भी कितने से करनी पड़ेगी, 7 से। तो कितना आएगा, 49/70। अब चेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिग टू स्मॉल। सबसे पहले बड़ी, एक चीज ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा है तो वो टर्म क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहती है। तो सबसे पहले बड़ी कौन सी आएगी, 49/70। उसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी, 30/70। और फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 14/
70। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता तो क्या होता, स्मॉल टू बिग, पहले सबसे छोटी और फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो पहले कौन सी आ जाती, 14/70, फिर 30/70 और फिर 49/70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगल सीट ऑफ पेपर इज 12/1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सीट। फाइंड क्या आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, एनी पॉलीगॉन, अगर कोई पॉलीगॉन दे रखा है तो उन सभी साइड्स का क्या कर देना, सम कर देना, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, पेरीमीटर कहलाता है। तो पहले क्या लिखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 12/1/2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हम एक्सप्रेशन का ही, पहले 2 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे 24 के अंदर न्यूमरेटर प्लस करोगे प्लस 1 कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 10/2/3, तो 3 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 10 से, तो 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल के से समझाया गया है कि लेंथ हमारे पास कितनी थी, ये थी, और ये हमारे पास क्या है, इसकी ब्रेथ। लेंथ हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी किससे, ब्रेथ से। पेरीमीटर ऑफ सीट का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर सीट का, वो क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 की जगह कितना देगा, 2 ही आएगा, लेंथ की जगह लेंथ वाली वैल्यू पुट कर देना 25/2, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू 32/3। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले, तो 3 को 2 का क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो पहले चेक करना है कि 2 की टेबल में 6 कितने भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 और इसके जस्ट ऊपर जो है उसके साथ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो 25 से इसकी क्या करोगे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसके बाद करना है 3 की टेबल में 6 है वो कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो 3 के जस्ट ऊपर है, कितना न्यूमरेटर कितना है, 32, तो 32 से क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई, तो 25 × 3 = 75 और 2 32 कितना हो जाएगा 64 अपॉन में कितना आएगा 6, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, प्लस करोगे तो कितना आएगा 139 अपॉन कितना आएगा 62 है वो किसमें है मल्टीप्लाई के अंदर, तो 2 की टेबल में 6 है वो कितने करता है हमारे पास है 3 पे, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, न्यूमरेटर आएगा 139 और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या लगेगा, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी और रेक्टेंगल बीसीडीई, एक शेप दे रखी है उसके अंदर एक हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है और एक हमारे पास क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, और उनकी सभी की क्या दे रखी है, मेजरमेंट दे रखी है। तो पहले ए बी है वो कितना सेंटीमीटर है, 5/2 सेंटीमीटर, बीई है वो 2/3/4 सेंटीमीटर, ए ई है वो कितना दे रखा है, 3/3/5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई का निकाल रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड का मीनिंग क्या हुआ कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पे आके रुकना है। तो पहले ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई प्लस में ए ई, ए बी की वैल्यू 5/2 थी, बी ई की वैल्यू कितनी आएगी, जो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे हम 4 × 2 से 8 + 3 = 11/4 प्लस का साइन है प्लस का साइन, 5 × 3 = 15 + 3 = 18/5। अब क्या करना है, 2, 4 और 5 तीनों का क्या लेके चलना है, एलसीएम, तो यहां से एलसीएम निकालेंगे हम। पहले 2 पे जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 की टेबल 2 1 पे, फिर 2 पे ये 5 आता नहीं तो 5 का 5, फिर 2 से करोगे 1 1 और क्या आ जाएगा हमारे पास 5, फिर इसमें क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5 रहेगा, तो 5 से करोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब क्या हुआ, इनों की मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 2 × 2 = 4, 5 = 20, एलसीएम हमारे पास कितना आया 20। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था 2 की टेबल में 20 कितने पे आया 10 पे, 10 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, 4 की टेबल में 20 कितने पे आया 5 पे, 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 11 से, 5 की टेबल में 20 कितने पे आया 4 पे, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 18 से, 10 की 5 से की 50, 5 की 11 से की 55, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई 18 से की कितना आ गया 70, 8/ कितना आ जाएगा 20, तो इन तीनों का सम करोगे तो हमारे पास सम कितना आएगा 177/20 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बी सी डी ई, बी सी डी ई,
जो सी डी है हमारे पास लेंथ है, जो सेम टू सेम किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, और डी ई हमारे पास ब्रेथ है जो किसके इक्वल है, बी सी के। तो लेंथ हमारे पास बी ई है वो कितनी है, 2 3/4। इसको सोल्व करोगे तो 4 2 8 + 3 कितना होगा हमारे पास, 11/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेथ कितनी दे रखी है, डी ई ब्रेथ है हमारे पास कितनी, 7/6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 2 × length + breadth। जो फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो कितना है, 2 length + breadth। लेंथ कितनी दे रखी है, 11/4, ब्रेथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 7/6। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। हम निकाल के भी चेक कर सकते हैं 4 और 6 का, पहले 2 पे जाएगा 2 और ये कितने पे जाएगा हमारे पास, 3 पे, फिर 2 पे जाएगा 1 और 3, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 3। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एलसीएम आएगा। तो 4 की टेबल 12 है वो कितने पे आता है, 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 11 से, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 6 की टेबल 12 कितने पे आता है, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, 7 से। तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33, प्लस का साइन, प्लस का, 7 की 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 14/12। यहां पे कोई साइन नहीं होता तो वो किसका होता है, हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस किया, 47 बाय कितना आएगा, 12। तो 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है हमारे पास, 6 पे। तो 47/6 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसमें एक चीज और दे रखी है, फाइंड द ग्रेटर पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर ट्रायंगल का बड़ा है या किसका, रेक्टेंगल का है। तो पीछे क्वेश्चन में करवाया था कि दोनों जो डिनोमिनेटर, दोनों का जो आंसर है उनका डिनोमिनेटर क्या कर लेना, सेम कर लेना, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर पेरीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है कि रितु 8 3/5 पार्ट एन एप्पल, एक एप्पल का रितु ने कितना पार्ट खाया, 3/5 पार्ट खाई है। रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और जो बाकी था वो कौन खा गया था, सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो पूछा है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया था, हु हैड द लार्जर शेयर, और लार्जर ज्यादा पार्ट है वो किसने खाया था, और बाय हाउ मच, और कितना खाया था। तो क्या आएगा कि पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु, रितु ने कितना पार्ट खाया था एक एप्पल का, 3/5, एप्पल हमारे पास कितना था, 1। इसी तरीके से द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितना खाया, एप्पल कितना था, 1, उसमें से खा लिया कितना, 3/5, तो क्या होगा, माइनस, माइनस होगा, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, 1। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5। तो 1 की टेबल में 5 है वो कितने पे आता है, 5 पे, 5 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 1 से। तो क्या रहेगा यहाँ पे, 5, माइनस का साइन है, माइनस का, 5 की टेबल में 5 कितने पे आया, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई कितने से, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई हमसे 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 कितना होगा हमारे पास, 2/5 पार्ट। तो सोमू ने जो पार्ट खाया था वो कितना खाया था हमारे पास, 2/5। अब उसके बाद इसने क्या पूछा था कि हु हैड द लार्जर शेयर, तो लार्जर पहले कंपेयर करके देखेंगे कि रितु और सोमू, रितु ने कितना खाया, 3/5, और सोमू ने कितना खाया, 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है तो वो टर्म कौन सी रहती है, बड़ी रहती है, वो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, 3/5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रितु ने जो पार्ट खाया था वो ज्यादा खाया था एप्पल का। उसके बाद लार्जर शेयर विल बी द मोर, तो कितना ज्यादा पार्ट खाया था आगे पूछा था, बाय हाउ मच, तो 3/5 - 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास, सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 5 ही आएगा। तो ऊपर अगर दोनों का एलसीएम सेम हो, दोनों के नीचे जो नंबर है वो सेम होता है, तो सेम टू सेम न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रह जाती है, 3 - 2, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/5। तो कितना ज्यादा खाया था इतने पार्ट है, 1/5। आगे इस क्वेश्चन में एक दो पार्ट, दो क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखना। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना और आपको वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के साथ।